सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ मेरे भाई, डबल फोटो आप एडिट कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान स्टेप में बता दिया हूँ मेरे भाई। और बिल्कुल न्यू टूल है मेरे भाई पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है ना। अब आपको ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई आपको डबल फोटो एडिट करने में। तो मेरे भाई, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो बहुत ही न्यू टूल है मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत ही इमेजिंग टूल है। तो सबसे पहले मेरे भाई, इस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो ऐसा फ़ोटो क्लिक करा लेना होगा, ठीक है ना मेरे भाई, एकदम सेम मतलब बैकग्राउंड पे और सेम पोज में, ठीक है ना मेरे भाई। दो ऐसा पिक आप क्लिक करा लीजिएगा, तभी ऐसे डबल फोटो बन पाएगा मेरे भाई, वरना नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना होगा, आपको एक फ़ोटो ले लेना है और इस फोटो को लेकर लाइटरूम एप्लीकेशन में पहले शेयर कर लीजिएगा। क्यों शेयर करना है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप लाइटरूम में इस फोटो को शेयर कीजिए, तब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं शेयर कर लिया, ठीक है ना। लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए लाइट के ऊपर क्लिक करना होगा, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा आपको, एंड हाईलाइट को कम, एंड शेडो को इतना बढ़ा दीजिएगा, एंड वाइट्स एंड ब्लैक्स को इतना पे रख लीजिएगा। डन। इतना काम करने के बाद मेरे भाई, कलर्स के ऊपर आना है, मिक्स के ऊपर आना है। मिक्स के ऊपर आ जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन कम करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। डन। इतना काम कर देने के बाद मेरे भाई, यहाँ ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू कम करना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है। डन। इतना काम करने के बाद यहाँ से डन कर देना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई इफेक्ट आना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। डन। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लीजिएगा। देख लीजिए मेरे भाई, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सेव हो जाने के बाद मेरे भाई बैक आना है और फिर से जाना है आपको गैलरी में, और सेकेंड वाला जो पोज होगा मेरे भाई फोटो का, इस फोटो को अब ले लेना है। इस फोटो को ले लेने के बाद मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करना है इसको भी। इसको भी शेयर करके मेरे भाई अब क्या करना है, इस वाले फ़ोटो को ले लेना है। एंड इस वाले फ़ोटो को ले लेने के बाद मेरे भाई, यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके और इधर आ जाना है, और मेरे भाई इस वाले जो फ़ोटो था अभी जो इम्पोर्ट किए, इसको भी सेम टू सेम वही प्रोसेस कर लेना है, ठीक है ना। डन। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, पेस्ट कर देने के बाद आपको सेव कर लेना होगा। सेव कर लेने के बाद मेरे भाई, यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या काम करना है, मैं बता रहा हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। जब इतना काम हो जाएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, सेम टू सेम आप भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और मेरे भाई, जिस भी बैकग्राउंड पे आपको मतलब बनाना होगा इस फोटो को, जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई मेरे को इस बैकग्राउंड पे बनाना है, इस बैकग्राउंड का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या तो टेलीग्राम पे दे दूंगा। डन। इतना काम हो जाने के बाद है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, वन क्लिक में आप देख लीजिएगा मेरे भाई कितना इमेजिंग हमारा फोटो बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद मेरे भाई, अब आपको इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। इधर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे भाई, ओके। यहाँ पर आप देखिएगा मेरे भाई, रिमूव बीजी का ऑप्शन होगा, जो कि मेरे भाई ये गूगल पे था, लेकिन अभी प्ले मतलब पिक्सआर्ट में मेरे भाई ऐड हो चुका है। रिमूव बीजी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे भाई, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा लोडिंग लेगा मेरे भाई। यहाँ नीचे के साइड देख लीजिएगा, रिमूव बैकग्राउंड होगा मेरे भाई, और ऑटोमेटिक देख लीजिए मेरे भाई, ऑटोमेटिक आपका रिमूव कर देगा। इसको क्या कीजिएगा मेरे भाई, अच्छे तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद मेरे भाई आपका आ जाएगा सेकेंड वाला। सेकेंड वाले का भी सेम टू सेम काम करना है मेरे भाई, यहाँ ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से तो देखिए मैं बता रहा हूँ, रिमूव बीजी सेम टू सेम वही करना है। फिर बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, और ऑटोमेटिक देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बैकग्राउंड काट के दे देगा। काट के देने के बाद मेरे भाई, अच्छे तरीके से इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देख लीजिए, आपको जहाँ जैसे बेस्ट लगे आप वैसे एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे भाई, जिस तरह, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होता है। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन कर देने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से सेव कर लेना है।
तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।